हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी का डेफिनेशन देखेंगे। देखिए, इसके पहले हमने अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बताया था, बाइनरी ऑपरेशन बताया था, मोनॉइड क्या होते हैं, सेमी ग्रुप क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम मेन जो डेफिनेशन है आपकी, ग्रुप क्या होता है, ठीक है, तो ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखिए। लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी एनी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन कर लीजिएगा इसको आप बाइनरी ऑपरेशन कर लीजिएगा, स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ओवर जी, देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेट टू बी अ ग्रुप इफ इट इज सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन। देखिए, अगर आपने पिछला लेक्चर किया होगा, सेम यही लैंग्वेज लिखा था, बस प्रॉपर्टी कुछ बढ़ती जा रही थी। सेमी ग्रुप में हमने सिर्फ कि दो प्रॉपर्टी दिखाई थी, ग्रुपवाइड में हमने एक प्रॉपर्टी दिखाई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। जब हमने सेमी ग्रुप पढ़ा उसमें दो प्रॉपर्टी हो गई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। इस तरह मोनॉइड पढ़ा तो उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बढ़ गया था। अब हम ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप की डेफिनेशन में भी सेम वही होगा, प्रॉपर्टी एक और बढ़ जाएगी। तो आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तक पढ़े थे, अब एक प्रॉपर्टी बढ़ गई, उसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखिए, तो इस स्ट्रक्चर जी स्टार को हम ग्रुप कब कहेंगे, जी स्टार इज सेट टू बी अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब हम उसे कहेंगे कि वह ग्रुप फॉर्म करेगा। देखिए, पहली कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आप जान रहे हैं, वही बाइनरी ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी, कि अगर ए और बी कोई जी का एलिमेंट है तो ए स्टार बी भी जी में जाना चाहिए। मतलब इनके बीच लगने वाले ऑपरेशन जब लगाएं दोनों के बीच, तो जो आउटपुट मिले वो भी इस ग्रुप में ही जाना चाहिए, जी में ही जाना चाहिए। देखिए, हर जगह जी ही क्यों लिख रहे हैं, जी ही नॉन सेट लेके क्यों चल रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो जी है, ग्रुप पढ़ रहे हैं, ग्रुप जी से होता है, इसीलिए इसको जी से लेके चल रहे हैं। अभी ऐसा आप रिंग थ्योरी पढ़ेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आप रिंग थ्योरी पढ़ेंगे, वहाँ पे आप आर से लिखेंगे। रिंग थ्योरी भी इसी, जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ लेंगे तो ग्रुप थ्योरी से ही लिंक है रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी से ही लिंक होता है रिंग थ्योरी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे समझिए, आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। हमने बताया था कि एसोसिएटिव लॉ के लिए आपको तीन एलिमेंट कम से कम चाहिए। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी सच डेट ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। मतलब एक बार बी और सी को एक साथ लिखिए, एक बार ए और बी को एक साथ लिखिए। अगर ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड होती है हर एक एलिमेंट के लिए, जी के हर एक एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव लॉ। थर्ड होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि उस दिए गए सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिले जिस एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट आ जाए। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन सच डेट ई इन सच डेट ई स्टार ए ए स्टार ई इक्वल टू ए। मतलब एक ऐसा एलिमेंट ई मिले, ठीक है, ई इन जी, इसके आगे आप जी कर लीजिएगा, इन जी कर लीजिएगा इसको ई इन जी, मतलब जी में मिलेगा ना, एक आपको ऐसा एलिमेंट मिले जी में, ठीक है, सच डेट कि जब उसको ई स्टार ए करें इक्वल टू ए स्टार ई करें तो इक्वल टू ए हो जाए, ठीक है। मतलब जब ई को हम उस किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो वही एलिमेंट आ जाए, ठीक है। तो जो इस एलिमेंट ई को हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, इस ई को ही कहेंगे हम आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर ऐसा एलिमेंट मिले कि जब किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो वही सेम एलिमेंट आ जाए। ऐसे हमने मोनॉइड की डेफिनेशन बताया था कि जीरो था, जेड प्लस डॉट जेड प्लस में सेट ऑफ इंटीजर में हमने लिया था, तो जीरो उसमें था आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि जीरो को किसी के साथ भी ऐड कर रहे थे तो वही एलिमेंट आ रहा था, जीरो को किसी के साथ भी ऐड करते थे तो वही एलिमेंट आता था, इसलिए जीरो वहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया था। तो हर एक मतलब आइडेंटिटी चेंज ही होती है, ऐसा नहीं है कि हर कोई भी स्ट्रक्चर लेंगे तो हमेशा जीरो ही नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कुछ और हो सकता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में कुछ और हो सकता है, आइडेंटिटी चेंज होती जाती है, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, आइडेंटिटी जो होती है किसी भी सेट किसी भी ग्रुप किसी भी स्ट्रक्चर में, जी स्टार जैसे यहाँ दिया हुआ है, किसी भी स्ट्रक्चर में आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। तो आइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन जी, इसका साइन देयर एग्जिस्ट इसको पढ़ते हैं, ऐसे उल्टा ई लिखा हुआ है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट मतलब एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट का क्या मतलब है, एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा,
कह रहा है कि जी के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के हर एक एलिमेंट के लिए, मतलब जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें कई सारे एलिमेंट हैं, तो जी के सभी एलिमेंट के लिए हर एक ऐसा एलिमेंट बी मिलेगा, एक ऐसा एलिमेंट बी मिलेगा उस जी में कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, जिसको हम बी को जो हम क्या कहेंगे, ए का इनवर्स है, जो ए एलिमेंट यहाँ होगा उसका जो बी है वो इनवर्स होगा, किस तरह होगा, ए स्टार बी करें, बी स्टार ए करें तो आइडेंटिटी हो जाए, मतलब इस बी को जब हम उस एलिमेंट ए के साथ ऑपरेट करें, चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, वो आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि वो इनवर्स उसका एग्जिस्ट कर रहा है, और ये बी क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा, मतलब ए स्टार बी, बी स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या थी, जो यहाँ पे आई थी पहले से। तो ये अगर पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ये जो जी स्टार लिखे हुए हैं इसको हम क्या कहेंगे कि वो ग्रुप है, वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो ये है डेफिनेशन ग्रुप की। अब आइए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, ग्रुप पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल जो है वो जेड प्लस इज ए ग्रुप, सेट ऑफ इंटीजर, जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर का कलेक्शन होता है, सेट ऑफ इंटीजर का कलेक्शन अंडर एडिशन ऑपरेशन, आपने क्या लिया है यहाँ पे, एडिशन का ऑपरेशन लिया है, इज अ ग्रुप, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। जेड प्लस जो होता है, जेड सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, ये हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। तो अगर ये ग्रुप फॉर्म करता है तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करें। अगर आपको एग्जाम में आता है शो डेट जेड प्लस इज अ ग्रुप, तो आप क्या करेंगे, पांचों प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो अगर जेड प्लस ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करा दीजिए। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। अब एलिमेंट कहाँ से लेंगे, जेड से लेंगे ना, क्योंकि अब जी की जगह आप जेड ले लिए हैं, जी तो हम इन जनरल ले रहे थे, जी तो आप इन जनरल ले रहे थे, अब आप यहाँ क्या है, जी की जगह सेट ऑफ इंटीजर जेड लिए हैं, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। अब ऑपरेशन एडिशन का है, इसलिए इनके बीच ऑपरेशन कैसा लगा है, एडिशन का, तो ए प्लस बी भी क्या होगा, जेड में जाएगा। अब भाई कोई भी आप दो इंटीजर लीजिए, कोई भी आप अपने से एग्जांपल लीजिए, कोई भी दो इंटीजर उनका एडिशन करिए, वो भी एक इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है, आप करके चेक करिएगा। एसोसिएटिव लॉ दूसरा है, एसोसिएटिव लॉ, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सी बिलोंग्स टू जी सच डैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, देखिए एसोसिएटिव लॉ ज़्यादातर केस में होल्ड हो ही जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स में, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिख दीजिए, ठीक है। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर में क्या एक ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा जिसको किसी के साथ भी ऐड करें तो वही एलिमेंट आ जाए, तो आपको पता है कि अंडर एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में जेड में जीरो होती है आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू जेड, पता है वो जीरो जेड के अंदर मिलता है, और जीरो एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जीरो को किसी के साथ भी ऐड करेंगे, मान लीजिए पाँच प्लस जीरो तो पाँच ही आएगा, किसी के साथ भी ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा, तो सच डैट ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, इसका मतलब जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, जीरो कैसा हो गया, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, तो जीरो मिलना चाहिए, जीरो मिल गया सेट ऑफ, जीरो होता है ना, जीरो भी तो एक इंटीजर ही होता है, तो जीरो जेड के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है, इसका मतलब आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड एन एलिमेंट, देयर एलिमेंट माइनस ए बिलोंग्स टू जेड सच डेट ए प्लस माइनस ए और प्लस ए इक्वल टू जीरो। देखिए अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर चौथी याद होगी, अगर ग्रुप की हम प्रॉपर्टी चौथी लिखवाए थे, उसमें लिखवाए थे कि जेड मतलब जी के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा एलिमेंट बी मिले कि जब ए को बी के साथ ऑपरेट करें चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तब क्या हो जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो ए को ए के साथ किसी एलिमेंट बी को ऐड करें, तो बी यहाँ क्या है, माइनस ए, कि जिसको जब हम लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से ऑपरेट करें हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, और आपको पता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो है, इस केस में जीरो ही आइडेंटिटी एलिमेंट, तो जीरो आ गया, ए प्लस माइनस ए करेंगे, आपको पता है कि माइनस ए भी जेड में होता है, अरे भाई टू है तो टू का माइनस टू भी तो होता है, फोर है तो माइनस फोर भी तो जेड में होता है, जेड सेट ऑफ इंटीजर है, सिक्स है तो सिक्स माइनस सिक्स भी तो होगा, इसका मतलब हर एक एलिमेंट का निगेटिव वाला पार्ट होगा जेड में, इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब यू भी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, और माइनस ए क्या हो गया, माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए,
ए को माइनस एक के साथ ऐड कर रहे हैं, जीरो हो जा रहा है, तो माइनस एक को हम कहेंगे क्या, ए का इनवर्स है। माइनस एक का कहेंगे माइनस इज द इनवर्स ऑफ ए। इसका मतलब जो जेड प्लस डॉट जेड प्लस है वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो गया, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया, इसीलिए जेड प्लस ग्रुप फॉर्म करता है। इसीलिए जो जेड प्लस होता है अपना वो ग्रुप फॉर्म करता है। दूसरा एक क्वेश्चन देखिए, दूसरा एक क्वेश्चन है शो डैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, आपको पता है नेचुरल नंबर को हम एन से दिखाते हैं, एन इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वह आपका ग्रुप इज नॉट अ ग्रुप, दिखाना हमको इज नॉट अ ग्रुप, इज नॉट अ ग्रुप, इज नॉट, ठीक है, इज नॉट होगा यहाँ, इज नॉट, हमको दिखाना कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन तो डॉट वाला ऑपरेशन लेंगे, मल्टीप्लीकेशन को डॉट से दिखाते हैं, डॉट से दिखाएंगे, ठीक है। हमको दिखाना है क्या सोल्यूशन, देखिए टू शो एन डॉट इज नॉट ग्रुप, देखिए एन था नेचुरल नंबर और मल्टीप्लीकेशन मतलब डॉट ऑपरेशन, ये डॉट लगा हुआ है, ये आपका डॉट लगा हुआ है, डॉट, ठीक है, ये डॉट ऑपरेशन है, इज नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, ये दिखाना है। तो ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब जो पांच प्रॉपर्टी है, जो पांच प्रॉपर्टी होती, चार प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की, उस चार में से कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। जो चार प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की उसमें से कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो वो होल्ड नहीं करेगा, तो नहीं होल्ड करेगा तो ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आइए प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, आपको पता है कि कोई भी अगर दो नेचुरल नंबर हैं उनके बीच अगर हम डॉट का ऑपरेशन लगाएं, मतलब प्रोडक्ट का ऑपरेशन, ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन सच दैट ए डॉट बी बिलोंग्स टू एन, मान लीजिए कोई भी आप दो नेचुरल नंबर लीजिए उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी नेचुरल नंबर ही आएगा भाई, वन है टू है, वन डॉट टू करेंगे टू ही आएगा, टू फोर लेंगे टू डॉट फोर एट होगा, एट भी नेचुरल नंबर ही होता है। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते हैं उनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी एक नेचुरल नंबर ही आता है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, अब आपको पता है कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो जाएगा, कोई भी आप तीन नेचुरल नंबर लीजिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एन सच दैट ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, अब यहाँ डॉट ऑपरेशन चल रहा है जगह क्योंकि डॉट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ए डॉट बी डॉट करके आप देखिएगा, कोई भी तीन नेचुरल नंबर लीजिए, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करिए फिर ए से मल्टीप्लाई करिए, या फिर पहले ए बी को मल्टीप्लाई करिए फिर सी को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, ये ठीक है, तो हमेशा होल्ड करेगा एसोसिएटिव लॉ, 95% केस में होल्ड हो जाता है एसोसिएटिव, प्रॉब्लम आइडेंटिटी इनवर्स में होती है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, तो आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है कि उस सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिले कि जब उस एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आ जाए। देखिए आप मल्टीप्लाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, एडिशन नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर में वन मिलता है, नेचुरल नंबर में वन मिलेगा, वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देखिए लिखे हैं वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का कहने का मतलब क्या है कि वन एक ऐसा एलिमेंट है कि वन को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। वन डॉट ए करिए, ए डॉट वन, ए ही आ रहा है, इसका मतलब वन क्या हो गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा डेट इज वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, डेट इज वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, भाई वन कैसा हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ना, आइडेंटिटी एलिमेंट उसी को कहते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आ जाए, वही एलिमेंट मतलब जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो, ठीक है। तो वन को साथ किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के किसी भी एलिमेंट, अरे भाई टू डॉट वन करेंगे टू ही आएगा, थ्री डॉट वन करेंगे थ्री ही आएगा, हंड्रेड डॉट वन करेंगे तो हंड्रेड ही आएगा, वही एलिमेंट आ जा रहा है। तो वन कैसा हो गया यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका मतलब नेचुरल नंबर आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है। तो तीनों, अब बचा ही क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बचा, इसका मतलब इनवर्स में ही कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसका मतलब इनवर्स में ही कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा इसीलिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है भाई। तीन हो गया, अब हमको दिखाना है नेचुरल नंबर नहीं, इसका मतलब क्या है, एक ही प्रॉपर्टी बची है उसी में कुछ झोल है, उसी में दिक्कत है कुछ, आइए देखते हैं उसको, आइए अब उसको देखते हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, चौथी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब उसको हम देखते हैं। देखिए आप, आपकी बुक में कई सारे एग्जाम्पल होंगे, उनको आप खुद से भी ट्राई करिए, उनको आप खुद से भी लगाइए,
ठीक है, बहुत एग्जाम्पल होंगे और जब तक एग्जाम्पल खुद से नहीं करेंगे ना तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देखिए लैंग्वेज सब में सेम ही रहता है, आप लैंग्वेज एक दो बार आप लिख लेंगे तो आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढने आना चाहिए, आपको इनवर्स एलिमेंट कैसे देखना है, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा। तो बुक ले लीजिए, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए, और आपको लेक्चर डेली मिलते ही हैं, ग्रुप थ्योरी के भी लेक्चर मिल रहे हैं, मैथमेटिकल मेथड के भी लेक्चर मिल रहे हैं। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ, पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी, तीन हो गई ना, लास्ट प्रॉपर्टी चौथी। चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये लास्ट प्रॉपर्टी होती है फोर्थ वाली, फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, इसमें क्या कहते हैं कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड, अब देखिएगा लैंग्वेज हम वही लिखा रहे हैं, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एन, देखिए यहाँ पे एन है, आप जी की जगह एन लेके चलना है ना, नेचुरल नंबर है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग, यहाँ पे क्या लेना है आपको, आपको डॉट में दिखाना है ना। तो मान लीजिए आपने, आपको अच्छा इसको आप ऐसे करिए, जैसे मान लीजिए आपने एक एलिमेंट लिया, लेट टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपको पता है कि दो नेचुरल नंबर में होता है, ठीक है, आपको पता है कि दो नेचुरल नंबर में होता है, आपको पता है ना कि टू जो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है, और आपको आपको पता है कि इनवर्स एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि अगर कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, उसके साथ हम कोई एलिमेंट ऐसा ऑपरेट करें कि चाहे उसको लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से, हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। यही प्रॉपर्टी होती है कि एक ऐसा एलिमेंट मिले कि उसको जब हम ऑपरेट करें तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वन है, तो यहाँ पर हमको क्या लाना है, वन लाना है, ठीक है, यहाँ पर हमको क्या लाना, वन लाना है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा वन है। यहाँ पर ऑपरेशन डॉट का चल रहा है, यहाँ पे ऑपरेशन डॉट का चल रहा है, ठीक है, डॉट लगा लिया आप, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट हम टू लिए हैं, यहाँ पे एलिमेंट आप टू लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट क्या लिए हैं आप, टू लिए हैं। तो टू के साथ ऐसे किस एलिमेंट को ऑपरेट करें कि वन दे दे, टू के साथ आप कैसे एलिमेंट को रखें कि वन दे दे, तो आपको पता है कि अगर वन बाई टू लेना है, आपको पता है कि अगर वन बाई टू से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के वन हो जाएगा, वन बाई टू को अगर हम लेंगे तो कट के वन हो जाएगा। बट क्या वन बाई टू नेचुरल नंबर में होता है, ठीक है, बट वन बाई टू डजेंट बिलोंग्स टू एन सच दैट, बट आपको पता है वन बाई टू नेचुरल नंबर में नहीं होता है, वन बाई टू कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर डजेंट बिलोंग इन नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट, सच डेट क्या हो जाएगा, टू डॉट वन बाई टू इक्वल टू वन बाई टू डॉट टू इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब टू नेचुरल नंबर, टू हमने एक नेचुरल नंबर लिया, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग हमको पता है कि वन बाई टू मिलना चाहिए, बट वन बाई टू आपको पता है कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है, नेचुरल नंबर में आपको पता है कि 1 by 2 belong नहीं करता है, 1 by 2 does not belongs to n, अगर 1 by 2 belong करता तो क्या होता है, 2 into 1 by 2, 1 by 2 into 2 equal to 1, ये होता अगर 1 by 2 belong करना चाहिए ना, belong तो कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 1 by 2 मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, मतलब एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका करस्पॉन्डिंग हमको मिला ही नहीं, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट हर एक एलिमेंट का मिलना चाहिए, इनवर्स एलिमेंट नेचुरल नंबर के हर एक एलिमेंट का मिलना चाहिए, तो 2 का तो मिला ही नहीं, इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या हो गई, फेल हो गई, डेट इज इनवर्स एलिमेंट, डेट इज इनवर्स ऑफ टू डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस क्या हो गया फिर प्रॉपर, तो क्या हो गया, ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी फेल हो गई,
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी फेल हो, इसका मतलब एन डॉट क्या होगा, एन डॉट नॉट फॉर्म अ ग्रुप, नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा ना भाई, प्रॉपर्टी फेल हो गई ना, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी फेल हो गई। इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, इनवर्स क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट का, हमने एक एलिमेंट ले लिया भाई, नेचुरल नंबर में टू होता है, टू के करस्पॉन्डिंग भाई टू को किस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी दे दे, आइडेंटिटी यहाँ पे वन है, जीरो नहीं चल रही है, आइडेंटिटी या मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी वन आई है, तो आपको वन लाना था, तो भाई टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन बाई टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वन आएगा, बट वन बाई टू होना भी चाहिए, वन बाई टू जो मिलेगा वो नेचुरल नंबर जो सेट लिए उसमें होना चाहिए, बट हो नहीं रहा है यहाँ पे, इसका मतलब इनवर्स वाली प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड हो गया, इनवर्स की प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, इनवर्स ऑफ टू डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस एन डॉट नॉट फॉर्म अ ग्रुप, इसलिए नेचुरल नंबर प्रूफ हो गया, जो आपको प्रूफ करना था कि नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, तो हमने शो कर दिया, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, और भी अगले लेक्चर में हम सब ग्रुप की बात करेंगे, और अबेलियन ग्रुप क्या होते हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, थैंक यू वेरी मच।